तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग दो टाइप की डोपिंग करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एक तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं या फिर ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं। पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं। तो पेंटावेलेंट डोपिंग करने से क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होते, और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डोनेट करने से डोपिंग करने से 3 इलेक्ट्रॉन होते। डोपिंग मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, टू प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कि ये जो जर्मेनियम है इसके ये जितने भी एटम्स है इसके क्रिस्टल के, अगर ये पूरे जर्मेनियम के है इस क्रिस्टल में एटम, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर। मगर अगर मान लो ये बीच वाला जो सेंट्रल वाला जर्मेनियम है इसको हटा के कोई दूसरा एटम ला दिया इसकी जगह पे, जैसे कि फास्फोरस ला दिया, तो फास्फोरस के पास आखिरी ऑर्बिट में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक। मगर आजू बाजू वाले जर्मेनियम को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आजू बाजू वाले 4 जर्मेनियम को सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो कि उसको फास्फोरस, जर्मेनियम की जगह पे अब कौन आ गया, फास्फोरस, क्योंकि हमने उसमें डोपिंग कर दी, यानी कि उसमें ऐड कर दिया फास्फोरस को। यहाँ पे फास्फोरस को इम्प्यूरिटी बोलेंगे, फास्फोरस को इम्प्यूरिटी बोलेंगे। ये फास्फोरस ऐड कर दिया प्योर सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में। इस फास्फोरस ने बदले में 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो कि कहीं बॉन्ड बॉन्ड में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि बॉन्ड में शामिल होने के लिए सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, जो यहाँ पर आ चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस छोड़ देता खुशी खुशी, ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाता, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर हमको दिखाई देता है कंडक्शन बैंड में। कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में, मतलब ऑर्बिट के अंदर रहता अगर ये, तो इसको वैलेंस बैंड में दिखाते हैं। मगर क्योंकि ये ऑर्बिट छोड़ के ऊपर वाले बैंड में आ गया, मतलब कौन से बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि फास्फोरस ने डोनेट किया है, फास्फोरस ने डोनेट किया है ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के, यानी कि फास्फोरस के ऑर्बिट को छोड़ के, फास्फोरस को छोड़ के बाहर निकल जाता ये इलेक्ट्रॉन, तो वो छोड़ के वह बाहर निकल गया, मतलब कंडक्शन बैंड में चला गया। तो इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय फास्फोरस, फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय फास्फोरस, फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय फास्फोरस। फास्फोरस बोले तो पेंटावेलेंट एटम होता है, कैसा एटम होता है, पेंटावेलेंट, और डोपिंग किया है इसलिए मतलब वो इंप्यूरिटी एक टाइप की, क्या है, एक टाइप की इंप्यूरिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय फास्फोरस इज कॉल्ड एज पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसने, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ने, फास्फोरस ने, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, डोनर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो अभी ये जो बता पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का मतलब क्या हुआ, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का मतलब हुआ कि इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं रेड कलर से दिखाने वाला था उसको, बट मैंने कलर नहीं चेंज किया। जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये लास्ट वाला 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब फास्फोरस क्या करता है, अपने नेबर वाले 4 जर्मेनियम एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन करके, एक एक इलेक्ट्रॉन ईच करके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिससे फास्फोरस के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं, साथ में ये एक जो बचा ये एक्स्ट्रा का आ जाता है 9, तो ये 9वां वाला इलेक्ट्रॉन वो फ्री करके डोनेट कर देता है, तो इसीलिए उसको डोनर इंप्यूरिटी बोला। और उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी बोला। ओके, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी उसको उसके 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से बोलते हैं।
और इस क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं फॉस्फोरस को। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तुमको फ्री वाले, जितना फॉस्फोरस ऐड करोगे उतना, यानी एक 10 लाख में एक आधा पार्ट 10 लाख जर्मेनियम एटम के बीच में एक आधा फॉस्फोरस फंसाते हैं हम, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखते हैं। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमको, निगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिया इसको हमने? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। अगर हम मान लो फॉस्फोरस की जगह ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाले, मतलब जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है वो देखेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम कौन सा सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं अभी? पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके लिए तुमको यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है, इस जर्मेनियम के क्रिस्टल के बीच में तुमको अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, जैसे कि इंडियम या बोरॉन मिला सकते हो तुम। इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए, चौथे वाले हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये अपने नेबरिंग 3 जर्मेनियम एटम के साथ बॉन्ड तो बना लेता है, मगर जब वो चौथे वाले के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो उसके पास यहाँ पे खाली जगह रह जाती है, क्योंकि बेचारे इंडियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। मैं उसको रेड कलर से दिखा देता हूँ कि इसके पास ये सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जो इसने आजू बाजू वाले 3 जर्मेनियम एटम के साथ शेयर कर लिया, मगर चौथे वाले के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि ये बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाती, क्योंकि इंडियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, वहां पर जनरेट हो जाती है एक वैकेंसी, और वो वैकेंसी होल का काम करती है, जो कि हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि वो वैकेंसी किसका काम करती है? होल का काम करती है, और वो कंडक्शन में हेल्प करती है। वैसे हम लोग कभी भी याद रखना होल वैलेंस बैंड में बनाते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे हमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, वो 2-3 इलेक्ट्रॉन, वो हम हमेशा बनाते हैं रूम टेम्परेचर वाले इलेक्ट्रॉन, वो हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। मगर इस बार हमको बहुत सारे होल्स मिलेंगे। वो होल्स हमको कब मिलेंगे बहुत सारे? जब हम बहुत सारे इंडियम मिलाएंगे एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में, और तब जाके यहाँ पे ये जो होल्स ही होल्स हमको दिखाई देंगे, ये सब कौन से बैंड में दिखाई देंगे? वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और वो भी रूम टेम्परेचर की वजह से आते हैं। तो ये है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसने इसमें एक इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत है, ये हमेशा सोचता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये खींच ले खींच ले खींच ले, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। ये जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की इंडियम नाम की, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, ये होल की प्रेजेंस की वजह से इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते थे तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉन डोनेटेड मिलता था, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते थे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था फास्फोरस, तो उसमें कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते थे। और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमको वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इंडियम ने एक होल डोनेट किया है, तो होल को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, होल की वजह से इसका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे होल्स बहुत मेजोरिटी में है, तो इसलिए यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में वो है होल्स, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैविंग मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। तो इस तरीके से हम लोग जब हम एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं और उसके कुछ हिस्से को हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप कर देते हैं और कुछ हिस्से को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप कर देते हैं,
तो जर्मेनियम के क्रिस्टल को लेने का जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से जिस हिस्से को डोप करते हैं वहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, एस बी नो कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री वाला मिल जाता है। जर्मेनियम के जिस हिस्से को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोप करते हैं, तो हमको पता है कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या डोनेट करती है, होल्स डोनेट करती है, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे क्वांटिटी में होल्स दिखाई देते हैं। तो इधर वाले सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम देते हैं निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर वाले को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स दिखेंगे, और जो बिल्कुल बहुत कम दिखाई देंगे यहाँ पे इक्का दुक्का अगर तुमको होल दिखाई दे रहे सपोज, तो इनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी ये बहुत कम संख्या में इसलिए इनको माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पर इक्का दुक्का अगर तुमको इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए तो उनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि वो बहुत क्वांटिटी में कम है। तो हम अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो हम ये देखते हैं कि पी टाइप, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें माइनॉरिटी में कौन मिलेंगे तुमको, होल्स, और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें तुमको माइनॉरिटी में कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक बार और देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या मिलेंगे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या मिलेंगे, होल्स। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनके, पी टाइप के और एन टाइप के, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एंड पी टाइप के होल्स। अब आगे क्या होता है, जैसे ही इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों रन करना चालू करते हैं आजू बाजू अपने अपोजिट रीजन में, पी रीजन के होल्स एन में जाना चालू करते हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी में जाना चालू करते हैं, होल्स एन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पी में जाना चालू करते हैं, क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। तो इस बाउंड्री लाइन को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ये जंक्शन किसके किसके बीच में बना, पी और एन के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन या एन पी जंक्शन। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनपी जंक्शन, पहले जो दिमाग में आइडिया वो जवाब देना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि पी टाइप के पॉजिटिव और एन टाइप के नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो कि सपोज करके चलो, जैसे पी रीजन मैंने यहाँ ले लिया और एन रीजन यहाँ ले लिया, और ये दोनों के बीच का जंक्शन है, इसको बोलेंगे पी एन जंक्शन। तो पी रीजन के जितने भी होल्स होते हैं वो एन के तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स। तो इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन को क्रॉस करके आर पार जाने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे एन से पी में और होल्स भागेंगे पी से एन में। और होता क्या है कि ये जंक्शन के चारों ओर ये ऐसे झुंड जमा के जमा हो जाते हैं, ये वाला पी रीजन है, ये वाला एन रीजन है। एक्चुअल में यहाँ पे होने कौन से चार्ज चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्चुअल में कौन से चार्ज होने चाहिए, नेगेटिव। बट तुम देखोगे कि जंक्शन के आजू बाजू यहाँ पे तुमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, होने कौन से चार्ज चाहिए थे, पॉजिटिव, बट दिखाई तुमको नेगेटिव चार्जेस देंगे। और यहाँ पे ये जो एन रीजन है इसके इस तरफ कौन से चार्जेस होने चाहिए थे, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मगर तुमको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आके यहाँ बस गए जंक्शन के पास में, बॉर्डर के पास में, इनको हम बोलते हैं डिप्लीट होना, क्या होना, डिप्लीट होना। तो इलेक्ट्रॉन आके डिप्लीट हो जाते हैं पी रीजन में और होल्स आके डिप्लीट हो जाते हैं एन रीजन में, सराउंडिंग द जंक्शन, जंक्शन को घेर के, ठीक है, बाउंड्री को घेर के, बॉर्डर लाइन को घेर के। तो इसलिए इसका नाम होता है डिप्लीशन रीजन, क्या नाम होता है इसका, डिप्लीशन रीजन। और क्योंकि एक तरफ पूरे पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ पूरे निगेटिव चार्ज है, तो जब भी एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमको दिखाई देते हैं जंक्शन को घेर कर, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पोटेंशियल जनरेट करने वाला बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पूरे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसीलिए इस रीजन को यहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। जिसमें से बैरियर का मतलब होता है कि ये और इलेक्ट्रॉन्स को बॉर्डर लाइन क्रॉस करके, जंक्शन को क्रॉस करके एन से पी में जाने से रोकता है, और होल्स को पी से एन में जाने से रोकता है। तो रोकने की प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बैरियर, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर। ओके,
ये होता है पोटेंशियल बैरियर, यानी कि ये जंक्शन पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये जंक्शन के आजू बाजू जो लेयर बनी है डिप्लीशन लेयर, ये चार्जेस के डिप्लीट होने की वजह से यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनी है, ये डिप्लीशन लेयर जो है चार्जेस के मोशन को रोकती है, फर्दर डिप्लीशन लेयर जो है, ये डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन लेयर और चार्जेस के मोशन को इधर से उधर जाने से रोकती है, और इसीलिए इसका नाम बन जाता है बैरियर। इसमें उसके इसके लिए वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करती है अपना पोटेंशियल का, कि एक तरफ वो पॉजिटिव पोटेंशियल और एक तरफ पूरा नेगेटिव पोटेंशियल ला देती है, जिससे बाकी चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैरियर। और इसके लिए उसने पोटेंशियल का यूज किया, इसलिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और जो ये रीजन बना उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। फिर इसके बाद डिप्लीशन रीजन हो गया, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग मार दी, जंक्शन को क्रॉस करके डिप्लीट हो गए पी और एन रीजन में। पी और एन रीजन जंक्शन बनने के बाद हम लोग को समझना है कि इस जंक्शन का यूज क्या है। तो हमारे जो दो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ने के बाद, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो चालू हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हम लोग पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ये सब क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले, ठीक है, अगले स्लॉट में देखने वाले लेक्चर के, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले। और ये कंप्लीट होने के बाद हमारा एक्चुअली मेन चैप्टर चालू हो जाएगा फ्रॉम 12th पोर्शन। तो 12th पोर्शन में हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमको एग्जाम में आने वाला है वो है रेक्टिफायर। तो अभी हमारे पास एक टॉपिक और है, दैट इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ द 11th क्लास, और फिर उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर से चालू करते हैं। तो मैंने जो अभी तक पढ़ाया तुमको वो पूरा थारो नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बेसिक बेसिक आइडिया भी रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिर रेक्टिफायर से हमारा 12th का पूरा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जितना भी पढ़ाऊंगा यहाँ से वो पूरा एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो इसलिए ये लेक्चर अभी